तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ जो आपकी पढ़ाई रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर, UPPLS रेडियो ऑपरेटर की ये परीक्षा कब तक हो सकती है, इसके बारे में कोई वीडियो बनाइए। तो साथियों, बहुत ही बड़ी खबर है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, आपको बता दूँ, सबसे पहले जैसे कि इस भर्ती का लगभग 2021 में आई थी आपकी जनवरी में, ठीक है, और इसके जो अभी तक जो अभी 2022 चल रही है, काफ़ी समय हो चुका है, अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं हो रहा है कि इसका पेपर हम इस महीने तक करा सकते हैं, ठीक है। मगर इसके जो मेन कारण ये भी बन गए, जैसे UPSI ASI की जो भर्ती बीच में आ गई, इस वजह से इस भर्ती की प्रोसेस नहीं चल पाई। मगर आपको बता दूँ, UPSI ASI दोनों भर्ती कहीं ना कहीं कंप्लीट दिख रही है। तो अब जो हमारी जो नेक्स्ट भर्ती है, तो ये UPPLS रेडियो ऑपरेटर होने वाली है। इसकी परीक्षा लगभग आपको बता दूँ फरवरी माह तक करा ली जाएगी, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, जो UPPLS सिविल पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है उसकी जो परीक्षा की प्रोसेस चलेगी, क्योंकि उसकी जनवरी या फरवरी तक उसके भी जो नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी या फरवरी से, उससे पहले इस भर्ती को कराया जाएगा, यानी कि फरवरी तक इस भर्ती को करा लिया जाएगा इसका पेपर। तो अपना टारगेट बना लो कि मुझे फरवरी तक, एक्चुअली का आपको बता दूं, अभी तक जैसे कोई भी यानी कि ऑफिशियली नोटिस नहीं है, इतना सटीक नहीं कह सकते हाँ इतनी तक तारीख तक इसका पेपर हो सकता है, मगर हाँ समझ सकते हो कि पेपर आपका फरवरी तक हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो UPPLS की जो 35,000+ वैकेंसी आने वाली है उसकी प्रोसेस चलेगी और उसका भी पेपर लगभग जून के समथिंग होने वाला है। तो उससे पहले इसका पेपर कराया जाएगा, क्योंकि आपको बता दूँ इसमें बहुत कम वैकेंसी आती हैं। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब तक कोई डेट क्लियर नहीं होती तब तक वो पढ़ाई वगैरह नहीं करते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं पूरी तरीके से, और वो ये चीज़ें सोचते हैं कि अभी पेपर नहीं होने वाला है। आपको बता दूं, आपका पेपर बहुत जल्द होगा, विभाग पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि UPSI ASI की जो भर्ती कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर थी, इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया है। और आपको बता दूँ, वो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोसेस जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि UPSI और जो ASI के जो स्टूडेंट जितने भी हैं वो ट्रेनिंग वगैरह पे जाने वाले हैं, तो इसके बाद आपकी ही प्रोसेस होने वाली है। और आपको बता दूं, लगभग अपनी जो यानी कि जैसे कि मैथ, रीजनिंग और GS और हिंदी अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि कट ऑफ इसमें बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आपने देखा होगा, क्योंकि जो UPSI में भी देखा होगा कितनी कट ऑफ आई गई थी, और इसमें भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत कम वैकेंसी है। हालांकि इसका एक फैक्टर बन सकता है ये, क्योंकि UPSI में अगर जो ट्रेनिंग में बंदे चले जाएंगे जितने भी स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर थोड़ी कट ऑफ में कहीं ना कहीं कम स्तर देख सकता है, क्योंकि क्या है, जो UPSI वाले बच्चे जो 95 से 34 बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस परीक्षा में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है कि UPSI के जितने भी बच्चे हैं वो ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, उसके बाद पेपर होता है, तो आपकी कट ऑफ में 100% आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। और अभी आप जैसे डेली मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, जिससे क्या है 320 और 310 आपका स्कोर हो रहा होगा, तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप लगभग यानी कि 300 भी स्कोर कर रहे हो, वो भी बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने के समथिंग है, तो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो आपकी अपनी जो पढ़ाई है अपना पूरी तरीके से डिजाइन करो कि मुझे फरवरी तक मेरा पेपर है, तो फरवरी तक आप यानी कि फरवरी तक अपनी पढ़ाई टाइम टेबल बनाओ और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, तो आपका पेपर बहुत जल्द होगा। आपको बता दूँ, क्योंकि इसमें इसकी जो वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, आप समझ सकते हो, अगर आपने यानी कि जो वर्क शॉप में डाला होगा तो आप लगभग का प्रमोशन वगैरह होगा, मैंने पहले भी वीडियो बनाई इस पर, डिटेल वीडियो बनाई, वो भी देख सकते हो। अगर आपका जो वर्क शॉप में पढ़ा है 10th लेवल से, तो आप जाके हेड ऑपरेटर सकते हो, सिंगल स्टार तक प्रमोशन जाकर। अगर आपका असिस्टेंट ऑपरेटर के थ्रू सिलेक्शन होता है, तो आप SI बन सकते हो सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर में। अगर आप हेड ऑपरेटर के पद पर आपका सिलेक्शन होता है, तो आप इंस्पेक्टर बन सकते हो 3 स्टार। तो आप जॉब बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करते रहो और आपका पेपर बहुत जल्द होने वाला है फरवरी के माह में। इसके बाद जो UPPLS की जो वैकेंसी की प्रोसेस चलेगी, उससे पहले सारी प्रोसेस की कंप्लीट कर दी जाएगी, इसका पेपर करा लिया जाएगा, तो आपका पेपर बहुत जल्द होगा फरवरी तक। आपका पेपर होने की पूरी जो पूरा पूरी तरीका से यानी कि तैयार है विभाग, आपकी पेपर आपका जो करा लिया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम रखते हैं, वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।